दिल्ली में भाई साहब ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। हाँ, दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। यहाँ भिवानी में भी 2 दिन से बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, चुनौती तो बड़ी है, बहुत बड़ी है, लोगों में एक फियर बैठ गया भाई, और हमारे लिए तो है इनका बच्चों का पेपर कैसे कंडक्ट कराएं, जी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ जी सर, कर दीजिए स्टार्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। है ठीक है ना, वर्ड सोचते है ना ये। हाँ जी सर, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप सबका आज के इस विशिष्ट व्याख्यान माला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत, और हम सबके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य एक जाने माने समाज सेवी और स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय श्री दीपक शर्मा जी, हम भाई साहब को प्रदीप जी के नाम से भी बुलाते हैं, आज हम सबका स्वदेशी एवं स्वावलंबन इस विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बड़े ही अति विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाते हैं ताकि उन्होंने जो भी जिस भी क्षेत्र में वो कार्यरत हैं, उन्होंने अपने प्रयत्नों से जो भी एक विशिष्ट कार्य किया है उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके, और विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में भी हम सब उनसे बातचीत करके अपने ज्ञान का अर्जन कर सके, ये हमारी कोशिश रही है। और माननीय श्री दीपक शर्मा जी, स्वदेशी जागरण मंच 1991 में स्थापना राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने की थी, आप 1993 से स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, लगभग शुरू से ही आप इस मंच से जुड़े हुए हैं। स्वदेशी जागरण मंच एक ऐसा मंच है जो गैर राजनीतिक है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में सोचता है, वो इससे जुड़ सकता है। इट इज नॉट एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर एनीवन कैन ज्वाइन, द ओनली कंडीशन इज दैट वन हैज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ हिज कंट्री एंड द कंट्रीज डेवलपमेंट, दैट इज भारत। स्वदेशी जागरण मंच ने शुरू से ही ऐसे मुद्दे उठाए जो देश के हित में हो, जिससे कि देश का विकास हो सके, जैसे कि रिटेल सेक्टर में FDI की एंट्री, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो रोजगार है हमें वो आसपास के छोटे छोटे दुकानदार किराना स्टोर से बहुत ज्यादा मिलता है, और बहुत सारे लोगों का ये एक रोजी रोटी का एक साधन है, इसलिए स्वदेशी जागरण मंच ने FDI रिटेल सेक्टर में इसकी इसका विरोध किया शुरू से ही, और माननीय श्री दीपक जी ने इस रिटेल के अगेंस्ट, FDI के अगेंस्ट पूरे मूवमेंट को लीड किया स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से। इसी तरह से स्वदेशी जागरण मंच किसानों के मुद्दे पर बड़ी खुलकर सामने आती है, क्योंकि हम सब जानते हैं आज भी 50% लोग भारत के आबादी गांवों में खेती से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, और हमारे लिए एक एक वे ऑफ लाइफ है एग्रीकल्चर सेक्टर, और आज भी कोरोना के इस भयंकर
जो परिस्थिति सामने आई उसमें यदि किसी एक सेक्टर ने हम सबको बचाया तो वो कृषि क्षेत्र है। इन्हीं में किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसानों का एक दिल्ली में एक बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ था, और जिसमें इंडिपेंडेंस के बाद से 124 किसान संगठनों के 765 जो नेता थे उनको एक मंच पर लाने का काम माननीय श्री दीपक शर्मा जी ने किया। इसी तरीके से स्वदेशी जुटान हुआ 2011 में, जिसमें इकोनॉमिक्स, सोशल सेक्टर से लोग लगे हुए, पॉलिटिकल लोग लगे हुए, इन सबको भी एक मंच पर इकट्ठे किया और 2 दिन का एक सम्मेलन हुआ ताकि जो स्वदेशी के मुद्दे हैं इनको पूरे जन जन तक इनको लिया जाया है। और भी बहुत सारे मुद्दे 2017 में जो चाइनीज वस्तुएं हैं उनके बहिष्कार का मुद्दा हो, या चार्टेड अकाउंटेंट के जो बिजनेस है इसमें फॉरेन कंपनियों की एंट्री का मुद्दा हो, और आज भी जो अभी स्वदेशी स्वावलंबन एक अभियान चला हुआ है उसमें किसान, गांव और कृषि, इन सबको एक मुद्दे के ऊपर स्वदेशी जागरण मंच ने पूरे के पूरे किसानों को जोड़ने का अभियान चलाया हुआ है, उसकी भी आप इसको लीड कर रहे हैं। तो साथियों, आपके माननीय श्री दीपक शर्मा जी के पूरे भारत में, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, IIT IIM के विद्यार्थी हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला हो, या पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार बंधु हो, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का मामला हो, इन सब में आपका उनके साथ समन्वय करना और उनके साथ मिलकर स्वदेशी के मुद्दों को प्रखर रूप से उठाने का कार्य माननीय श्री दीपक शर्मा जी लगातार कर रहे हैं। आपके इसी योगदान के लिए 2020 में आपको री इंजीनियरिंग इंडिया के प्रख्यात पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि मुझे भाई साहब का एक सानिध्य मिलता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है, और हम बहुत सारे मुद्दों पर इकट्ठे मिलकर आपके मार्गदर्शन में काम भी करते रहते हैं। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं माननीय श्री प्रदीप जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और विषय स्वदेशी जागरण मंच का है, स्वदेशी स्वावलंबन का है, इसके बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो इसलिए प्रस्तावना ज्यादा ना रखते हुए सीधे ही माननीय श्री प्रदीप जी से आग्रह करता हूँ कि हम सबका इस विषय पर मार्गदर्शन करें। सर, धन्यवाद राजकुमार जी, आप सबको मेरा नमस्कार। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं गलवान घाटी हमारे 20 शहीदों को स्मरण करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, आज दुनिया एक रास्ते की खोज में है। कोरोना की समस्या है, ठीक है, बट ओवरऑल डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर पूरी दुनिया में एक व्याकुलता है कि वो कौन सा तरीका हो जिससे दुनिया को एक ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और भी जितने मानवता से जुड़े जितने डायमेंशंस होते हैं उनको लेकर वो क्या सोच हो, क्या रास्ता हो। दुनिया एक खोज में है। कैपिटलिज्म का मॉडल 91 में हमने स्वीकार किया, उसके परिणाम सामने हैं। दूसरा कम्युनिस्ट मॉडल है, उसमें भी लोगों का ये मानना है कि शोषण है। कैपिटलिज्म में अगर पूंजीपति शोषण करता है तो कम्युनिज्म में स्टेट के द्वारा, एक्सप्लॉयटेशन बाय स्टेट, वो होता है, सिर्फ शोषण करने वाला बदलता है, और शोषण मनुष्य के मूल स्वभाव के विपरीत है, इसलिए सस्टेनेबल नहीं है ये मॉडल। वो कौन सा रास्ता हो, ऐसे में भारत का भी एक दृष्टिकोण है।
बड़ी प्राचीन सभ्यता संस्कृति हमारी रही है और उसमें केवल आध्यात्म का डायमेंशन नहीं रहा, जीवन के जितने डायमेंशन होते हैं, मनुष्य जीवन में, समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में, यहां तक कि विश्व जीवन में, यहां तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड के, उन सभी डायमेंशंस को बैलेंस करते हुए, सभी चीजों में एक संतुलन रखते हुए भारत का भी एक दृष्टिकोण है। आज के वातावरण में जब दुनिया एक मार्ग की खोज में है तो हमारा दृष्टिकोण देश के सामने आना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए। हमारा क्या दृष्टिकोण है? अगर उसको दो शब्दों में कहें कि हमारा विकास का मॉडल क्या है, हम किस तरीके से दुनिया को चलाने का तरीका रास्ता सोचते हैं, तो हमारे यहां कहा गया है अनादि से अनंत। इसमें डेवलपमेंट का पूरा फार्मूला आ जाता है। इसको थोड़ा डिफाइन करें तो हम जब दुनिया में आते हैं और अपना 70, 80, 90, 100 वर्ष की जो भी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, तो जब हम दुनिया में आते हैं हमें बहुत सारी चीजें विरासत में मिलती है। नदियां मिलती है, पर्यावरण मिलता है, भूमि की उर्वरता मिलती है, वायु की शुद्धता मिलती है, बीजों की नस्लें मिलती हैं, मानवों की बौद्धिक कौशल का एक स्तर मिलता है, शारीरिक बलिष्ठता का, पुष्टता का, स्वास्थ्य का एक स्तर मिलता है, उद्योग, व्यापार, रास, रंग, विज्ञान, आध्यात्म, ये हमें विरासत में मिलता है। तो जीवन जीने का तरीका हमारा इस प्रकार से रहे कि जो भी हमारी 80-90 वर्ष की जो यात्रा है, जीवन यात्रा है, उसको हम इस प्रकार से जीते हुए पूरा करें कि अगली पीढ़ी को ये सभी चीजें और अधिक समृद्ध करके हम उनको सौंप कर जाएं। अंग्रेजी के टर्म्स में या आधुनिक अर्थशास्त्र के टर्म्स में अगर हम इसको कहें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये जो हमारा विकास का जो मॉडल है, भारतीय दृष्टिकोण उसको इस तरीके से देखता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हमारा ये मानना है कि मनुष्य केवल भौतिक जीव नहीं है, मनुष्य भौतिक जीव भी है, आध्यात्मिक जीव भी है, सामाजिक जीव भी है, और इसके कारण से हमारा एक परस्परावलंबन हमारा एक बनता है। दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह स्वावलंबी हूं, और दुनिया में ये भी कोई नहीं कह सकता कि कोई भी तत्व या व्यक्ति या जीव इतना निकृष्ट है कि वो पूरी तरह दूसरों पे परावलंबी है। ना कोई स्वावलंबी है, ना कोई परावलंबी है, हम सब मिलकर परस्परावलंबी है। वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। और ये परस्परावलंबन एक कड़ी बनाता है। ये कड़ियां जब जुड़ती हैं तो एक श्रृंखला बनती है। ये श्रृंखला अपने अंतिम छोर पर जाकर एक चक्र बनाती है, वसुधैव कुटुंबकम का चक्र बनाती है, सर्वे भवन्तु सुखिने का एक फार्मूला देती है। और ये फार्मूला, ये चक्र पृथ्वी के सर्वाइवल की गारंटी है, अस्तित्व की कसौटी है, डेवलपमेंट का अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिफिक फार्मूला है। इसमें से एक भी कड़ी टूटेगी, मनुष्य, अर्थ, प्रकृति, विज्ञान और ईश्वर, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। इसका अगर हमारा विकास का मॉडल ऐसा होगा कि एक दूसरे से इनमें किसी का सामंजस्य नहीं रहेगा और एक भी कड़ी टूटेगी तो सब कड़ियां टूटेंगी।
तो ये जो आध्यात्मिक पक्ष है हमारे मूल विचार का, वो अनादि से अनंत का और परस्परावलंबन का, इसी में से निकलता है कि चींटी को आटा भी डालेंगे, मछली को आटे की गोली भी डालेंगे, वृक्षों को अंधाधुंध नहीं काटेंगे, अहिंसा में विश्वास रखेंगे, प्राणियों में सद्भावना रहेगी, और ये सारी चीजें धर्म से अधिष्ठित होंगी। जीवन के सभी काम किए जाएंगे, अर्थ के काम, जो हमारे यहां बोला गया चार तरीकों से, लेकिन वो सभी धर्म से नियंत्रित होंगे, धर्म से अधिष्ठित होंगे। ये जो अपना एक जो डेवलपमेंट मॉडल का, जहां से डेवलपमेंट मॉडल निकलता है, उसका एक मूल विचार, मूल अधिष्ठान हमारे यहां ये माना जाता है। वर्तमान में अगर हम देखें व्यवहारिक पक्ष में, तो कोरोना का संकट आया है, और कोरोना, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक बड़ी समस्या है, बड़ी चिंगारी है। चिंगारी से भी अधिक अगर हम कहें तो एक छोटी मोटी लपट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यवस्था बारूद के ढेर पर नहीं बैठी, तो कोई छोटी मोटी चिंगारी या कोई छोटी मोटी लपट उसमें विस्फोट नहीं कर सकती। कोरोना ने हमें बताया कि जिस तरीके से हमने अपने पूरे ग्लोबल स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है, जिस तरीके से हमने अंधाधुंध हर सेक्टर में सेंट्रलाइजेशन किया है, तो हम एक बारूद के ढेर पर आ जाकर बैठ गए हैं। तो ऐसे बारूद पे जब हम बैठते हैं, तो कोरोना की चिंगारी हो या छोटी मोटी लपट हो, तो फिर एक विस्फोट होता है, और वो विस्फोट हमने देखा 10-15 दिनों के लॉकडाउन में। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, 10-15 दिनों के लॉकडाउन में पूरी दुनिया की जीडीपी नेगेटिव चली जाती है, उसकी ग्रोथ नेगेटिव चली जाती है, जीडीपी बड़ी तेजी से गिर जाती है। हमने अत्यंत विकसित देश, जिन्होंने इस पूरे फाइनेंशियल ऑर्डर को गढ़ा और उसको लीड किया, और न सिर्फ लीड किया बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों को प्रेशराइज किया कि आप इस फाइनेंशियल ऑर्डर में एंटर कीजिए, सिग्नेचर कीजिए WTO के। अगर हम उस फ्लैगशिप लीडर को भी देखें, अमेरिका को, तो क्या हुआ, 25 शहरों में कर्फ्यू लग गया, 20 ट्रिलियन से ऊपर डॉलर की इकोनॉमी, भूखे लोगों को हमने लाइनों में खड़ा देखा, अनेक शहरों में दंगे हो गए, स्वास्थ्य की सामग्री अगर कम पड़ रही है और वो कहीं दूसरे देश से आनी है, तो किस प्रकार से बुलिंग करके किसी दूसरे देश में स्वास्थ्य सामग्री जाने के लिए हवाई जहाज उड़ा, और रास्ते में कहीं दूसरे देश में उसको रिफ्यूलिंग के लिए रुका, तो उसको अमेरिका ने अपने देश में बुला लिया। भारत में भी अगर हम देखें, हमने अपने श्रमिकों को सड़कों पे देखा है, बेरोजगारी के स्तर को अगर हम देखें, अगर हम कृषि को छोड़ दें, जिसका अभी इतना वो कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ है, उसके अलावा अगर बाकी सेक्टर्स को देखें, तो सब 10-15 दिन के लॉकडाउन में नेगेटिव में चले गए। कोरोना ने हमें बताया है कि बहुत सारी चीजें जो हमें सामने नहीं आने दी जाती थी, क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन के जो भी पैरोकार हैं, ये जो भी कुछ हजार लोग हैं, ये सारा ओपिनियन मेकिंग मैकेनिज्म पर, पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म पर इन्होंने इस तरीके से कब्जा कर रखा था कि सच्चाइयां सामने आने नहीं देते थे। बेहद महंगे, बेहद भव्य कार्यक्रमों के द्वारा देश के सामने सच्चाई नहीं आने देते।
कोरोना ने हमें बताया, ये बहस पहली बार फोकस में आई है और आम जन तक पहुंची है मेन स्ट्रीम में आकर कि भारत में 90 करोड़ लोग जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी सरकारी सहायता या सस्ते राशन पर निर्भर हैं। और केवल निर्भर ही नहीं है, जहां 90 करोड़ लोग निर्भर हैं, वहीं दूसरी तरफ एक उद्योगपति, शीर्ष उद्योगपति 317 करोड़ रुपया रोज कमाता भी है। बेरोजगारी को लेके इतनी बड़ी डिबेट, गांव की तरफ वापस लौटना होगा, इतनी बड़ी डिबेट, एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री को गांव में लगाना होगा, इतनी बड़ी डिबेट कभी पहले ये सरफेस में नहीं आई, ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट्स की चर्चाओं में नहीं आई। कोरोना ने हमें बताया कि हमने जो ये जो डेवलपमेंट का मॉडल लिया है, ये हमने बारूद के ढेर पर हम आ गए हैं। अब अगर देखें हम तो दो रास्ते अपने सामने हैं। एक रास्ता कहता है दुनिया किस तरीके से चलेगी, तो एक रास्ता कहता है दुनिया चलेगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रास्ते से। कहने का मतलब पूरा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा जिसमें सिर्फ सबसे ताकतवर का बच्चा या सबसे ताकतवर ही जी सकेगा, उसी के लिए सभी प्रकार की बेहतरीन सुविधाएं होंगी, बेहतरीन स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, उसके परिवहन के लिए बेहतरीन एयरपोर्ट्स होंगे, उसके परिवहन के लिए कॉरपोरेट ट्रेन्स होंगी, मनोरंजन के बेहतरीन साधन होंगे। और दूसरा विचार कहता है, जिसको स्वदेशी जागरण मंच मानता है और जिसके लिए हमारा ये मानना है कि हम इसके लिए आखिरी पड़ाव तक लड़ेंगे और जिससे भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, तो दूसरा रास्ता क्या है, हमारे मन में कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो मॉडल है ये साइंटिफिक नहीं है, ये इंक्लूसिव नहीं है, इसीलिए ये सस्टेनेबल नहीं है। और सस्टेनेबल नहीं है तो इसका गिरना तय है, लेकिन ये सबको गिरा कर गिरे उससे पहले हम इसको गिरा देंगे। हम मानते हैं कि दुनिया इस तरीके से चलेगी जिसमें सबसे कमजोर भी जिएगा, मतलब सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। हम इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे और इस व्यवस्था के लिए भारत का एक लंबा इतिहास है, अनुभव है, लड़ाई है, और भारत ने हमेशा ये लड़ाई जीती है। रावण ने क्या कहा था, यही तो उसकी फिलॉसफी थी, सबसे ताकतवर जिएगा। राम ने चुनौती दी, नहीं मैं चलने नहीं दूंगा, दुनिया इस तरीके से चलेगी जिसमें सबसे कमजोर भी जिएगा। जरासंध ने, कंस ने क्या चुनौती दी, दुर्योधन ने क्या चुनौती दी, यही चुनौती दी। योगीराज कृष्ण ने कहा नहीं, मैं सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट के मॉडल को इंश्योर करके रहूंगा। तो हर युग में, हर काल में ये तामसिक वृत्ति की शक्तियां बार बार सिर उठाती हैं और हमारा अनुभव, हमारा विश्वास, न्याय और धर्म पे हमारा अटूट श्रद्धा हमें वो शक्ति देती है कि हर युग में भारत ऐसी शक्तियों से जूझता है, पराजित करता है और एक फेयर, शोषण रहित न्याय का एक ग्लोबल ऑर्डर वो स्थापित करता है। वर्तमान में अगर हम देखें, 1991 में हमें ये कहा गया कि दुनिया में एक नया फाइनेंशियल ऑर्डर हम ला रहे हैं और पिछला जो फाइनेंशियल ऑर्डर था उसने कोई बहुत ज्यादा सफलताएं नहीं दी, नो डाउट उसने नहीं दी। अगर वो फाइनेंशियल ऑर्डर, अगर वो डेवलपमेंट का मॉडल सही नहीं था तो उस वजह से
जो 1991 में मॉडल दिया गया वो सही नहीं हो जाता, लेकिन एक एक विश्व व्यवस्था की रचना की गई और दुनिया को कहा गया कि आप इसमें प्रवेश कीजिएगा, आपके देशों की खुशहाली बढ़ेगी, आपके देश में रोजगार बढ़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका पर्यावरण अच्छा होगा। स्वदेशी जागरण मंच ने 1991 में ही, जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच को गठन किया, राष्ट्र ऋषि दत्तोपन्त ठेंगड़ी, उन्होंने थोड़ा सरसरी देखना समझना शुरू किया कि जो ये नई विश्व व्यवस्था की बात हो रही है, जिसको मनमोहन सिंह जी ने 25 जुलाई 1991 को ये कहा संसद में कि एक नया आर्थिक व्यवस्था, नई आर्थिक नीतियां देश में लागू की जाएंगी, और पूरे देश में कोई चर्चा नहीं हुई, विद्वानों से कोई चर्चा नहीं हुई, चाहे वो इंडस्ट्री बॉडीज हो, चाहे वो ट्रेड बॉडीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर बॉडीज हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। और मात्र सात दिन में 1 अगस्त 1991 को घोषणा कर दी गई कि भारत में नई आर्थिक नीतियां प्रारंभ हो गई। तो दत्तोपन्त जी ने देखा ये क्या है, तो बहुत उस वक्त के जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग न्यूज़पेपर्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, इंडस्ट्री बॉडीज थी, इंडस्ट्री बॉडी इन द सेंस कॉरपोरेट बॉडीज, तो सबने कहा कि ये बहुत जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना होगा। तो अब दुनिया एक ग्लोब बन गई है, तो देर शुड बी नो बैरियर्स, और हम एक परिवार हैं, तो मुक्त आवागमन जो चीजों का, वस्तुओं का, पूंजी का, इन्वेस्टमेंट्स का, टेक्नोलॉजी का, ये सब होना चाहिए, ये टैरिफ बैरियर्स हटाने चाहिए, नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हटानी चाहिए, दुनिया ग्लोबल फैमिली बन गई। तो उनके मन में आया कि ग्लोबल फैमिली तो ठीक है, और हम दुनिया से कटे हुए लोग भी नहीं हैं, हम तो हजारों साल से ग्लोबल ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बायलेटरल करते हैं, मित्र देशों के साथ मित्रता वाली शर्तों पर, और तटस्थ मित्र देशों के साथ तटस्था वाली शर्तों पर, और शत्रु देशों के साथ फिर एक अलग प्रकार से। तो विश्व व्यापार के दम कभी विरोधी रहे नहीं है, हम तो मसाले ले जाते थे और न जाने क्या क्या ले जाते थे। अब जो विश्व ग्लोबलाइजेशन में कहा कि नहीं, समान शर्तों पर सभी देशों से व्यापार किया जाएगा, और वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल फैमिली। तो उन्होंने देखा कि हम वासुदेव कुटुंबकम हजारों साल से कह रहे हैं, और वो वासुदेव कुटुंबकम वो एक एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल और एक ह्यूमन अप्रोच से वो निकला है वर्ल्ड, वो घोष वाक्य, और वो हजारों साल में एज नेशन हम डेवलप हुए हैं। एक दो दिन में नेशन डेवलप नहीं होते, 100-200 साल में नहीं होते, 500-700 साल में भी नहीं होते, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। और उसके बाद हमने ये एक दुनिया को एक रास्ता दिखाया था अनादि से अनंत का, और वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वे भवंतु का। ये 300 साल पुराना देश ये ग्लोबल फैमिली कह रहा है, तो ये जो सोच है ये दिस इज आउट ऑफ द आइडिया ऑफ मार्केट, इट हैज नो रिलेशन विद सस्टेनेबिलिटी, विद ह्यूमैनिटी। ये मार्केट अप्रोच से निकला आइडिया है, और ये एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड है। मोटे तौर से ट्रेड इंडस्ट्री के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स। तो ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो उनके स्ट्रेंथ एरिया हैं, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, उसके लिए वो चाहते हैं कि सभी बैरियर्स खुले। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस के जो स्ट्रेंथ एरिया है, ह्यूमन रिसोर्स, उसमें उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस, वीजा फीस, वीजा का नंबर लिमिट, या उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स अगर यहाँ आए तो उस इन्वेस्टमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेट ना करना। सपोज भारत में 3 लाख रुपए के टर्नओवर पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है,
और कोई कंपनी 5 करोड़ रुपया या $100 बिलियन या कुछ उसको इन्वेस्ट करती है यहाँ, तो उस इन्वेस्टमेंट को किसी भी एंगल से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेट ना करना। तो ये ध्यान में आ गया कि जो उनका स्ट्रेंथ एरिया है उसके लिए वो चाहते हैं कि दुनिया खुले, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए दुनिया ना खुले। तो ये कोई फेयर ये ग्लोबल ऑर्डर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर नहीं है, और ये एक्सप्लॉयटेशन करेगा आने वाले 20 30 40 50 साल में, और तब एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि भारत में सामाजिक अवेयरनेस बहुत है, कल्चरल अवेयरनेस भी बहुत है, इकोनॉमिक अवेयरनेस का एक अभाव है। तो एक ऐसा फ्रंट चाहिए होगा जो आने वाले जब 10-20 साल के बाद इसकी चुनौतियां विकराल हो जाएंगी, तो लॉजिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ ये आम लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को ये लोग अपनी बात समझा सकें, रख सकें। जब हमारे बैरियर्स खुले दोस्तों, तो मैं इसके बहुत सारे डायमेंशन है, एक डायमेंशन पकड़ता हूं। भारत विदेशों से आने वाले माल पर टैक्स लगाता था, और ग्लोबलाइजेशन में जो मेन इशू था कि आप अपना टैक्स खत्म कीजिए, आप हमारी कंपनियों को आने से रोकते हैं, वो रोकना बंद कीजिए, आप हमारी इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसको बंद कीजिए, आप हमारी टेक्नोलॉजी के लिए कोई रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये क्यों हुआ, इसमें मैं 2 मिनट और एडिशनल लेकर उनका जो स्पिरिचुअल अप्रोच है जिसमें से उनका डेवलपमेंट मॉडल निकला है वो ध्यान में डालना चाहूंगा, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट वाला और फिटेस्ट वाला। जो लोग ये मॉडल लाए उनका ये मानना है कि अत्यधिक उपभोग क्योंकि सबसे ताकतवर जिएगा। तो 5-7 डाटा मैं उनके रखता हूं आपके सामने, उससे आपको अंदाजा आएगा। अमेरिका में अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति, क्योंकि बहुत कंजम्पशन बेस्ड है वहां, जिसके कारण से एनर्जी कंजम्पशन बहुत है वहां, वहां मनुष्य को अंतिम मानते हैं और मनुष्य का पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। हमारे यहाँ तो जैसे पेड़ भी काटेंगे तो बहुत बार सोचते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। अत्यधिक उपभोग के कारण एनर्जी बहुत चाहिए, तो वहां पर पर्सन 10,000 किलोवाट पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। भारत को देखें तो एक पर्यावरण से सामंजस्य रखने के कारण एक दृष्टिकोण रहा, तो आज की तारीख में भी हमें 30 साल हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन में एंटर किए हुए, अभी हम 1,000 किलोवाट तक भी नहीं है। अमेरिका में अगर वाहनों को देखें हम, 1,000 लोगों के पास 900 वाहन हैं, और वाहन भी कैसे, वो एवरेज नहीं पूछते कि कितनी एवरेज देता है, ये कीमत 16-16 करोड़ रुपए, और पेट्रोल भी गैलन्स में डलता। भारत में देखे तो 1,000 लोगों पर 20 वाहन, जिसके कारण अत्यधिक ऊर्जा की खपत के कारण अमेरिका में प्रति व्यक्ति पर पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस यानी CO2 गैसेस का जो प्रदूषण का जो स्तर है 20 टन, 20,000 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। भारत में हमारा 800 किलो था जब हम ग्लोबलाइजेशन में आए, उससे 3-4 साल पहले 80s में, 91 में हम 850-900 अगर मान लें, और आज 1920 किलो है। हम इसमें एंटर किए तो हम भी 800-900 किलो से पर पर्सन जो पॉल्यूशन है, ये जो CO2 गैसेस का उत्सर्जन है, तो हम आज 1920 किलो पे हैं, वहां 20,000 किलोवाट पर पर्सन है। और अगर हम देखें वहां तलाक 50% वहां डाइवोर्सिस हैं, हमारे यहाँ 91 में एक तलाक होता था, हम भी इस व्यवस्था में घुसे तो आज हमारे तलाक 18 गुना बढ़ गए हैं। वहां लीकर कंजम्पशन को देखें तो 9 लीटर प्योर अल्कोहल, शराब के अंदर 30-35% होता है, प्योर अल्कोहल कंजम्पशन पर पर्सन 9 लीटर है।
हमारे यहाँ 2005 से इसकी गणना शुरू हुई है, तब 2.4 लीटर था, आज हम 5.9 लीटर पे आ गए हैं। वहां हमारे यहाँ माना जाता था एक जन्म में 7 जन्मों का 7, उनके यहाँ एक जन्म में 7। 11 करोड़ वहां परिवार है, 130 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं। वहां कहने का मतलब, वहां में वहां जो है उपभोग इतना है कि उस उपभोग का पर्यावरण से कोई सामंजस्य नहीं है, उसका अर्थव्यवस्था से कोई सामंजस्य नहीं है, उसका जीव से जीव का कोई सामंजस्य नहीं है, उसका मनुष्य से मनुष्य का कोई सामंजस्य नहीं है। अत्यधिक उपभोग के कारण उनको धन चाहिए और यहीं से WTO निकलता है। अमेरिका की कंपनियां दुनिया के देशों में लोगों के रोजगार को कैप्चर करने जाती हैं, हर सेक्टर को, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, और न केवल ये सेक्टर्स बल्कि उन देशों की बायोडाइवर्सिटीज, वो IPR के द्वारा फिर उसको पेटेंट्स हैं और ये वगैरह वगैरह, तो उसको धन चाहिए। उसके कंपनीज दुनिया के डेवलपिंग नेशंस में जाती हैं अनफेयर तरीकों से, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ग्लोबल WTO इज नॉट फेयर, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, अनफेयर। वो लोगों को रोजगार से उनके बाहर करती हैं और वो पैसा कमाकर जब अमेरिका ले जाती हैं तो वहां की सरकारें 35% 30% के उससे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगाती हैं, और ऐसा करके अमेरिकन बजट के जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 2/3 उनकी होती है, क्योंकि उनका वो आइडिया जो डेवलपमेंट मॉडल है उस आइडिया से निकला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब मैं वापस यहां आता हूं कि उन्होंने हमारे ये बैरियर्स खोले, और 91 में हम जो आप अगर कहें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, एक को हम पकड़ते हैं, टैक्स को ले लेते हैं। मान लीजिए तो हर देश अपने देश लोगों की जान की रक्षा के लिए सीमा पे सेना लगाता है, माल की रक्षा के लिए विदेशों से आने वाली माल, कंपनियां, वस्तुएं, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, टैक्स लगाता है। कहने का मतलब जान की रक्षा के लिए सीमा पर सेना, और रोजगार माल की रक्षा के लिए विदेश से आने वाल पर टैक्स। WTO का यही था कि आप अपने टैक्स खत्म कीजिए। 91 में हम 9.8% ऑफ द GDP विदेशों से आने वाले माल पर हम कस्टम ड्यूटी, इनसे टैक्स, हम हमारी अर्निंग्स थी। आज हमारी ऑलमोस्ट हाफ 4.6 और 8, ये हमारा GDP का रेशियो, जो विदेशों से आने वाले माल पर जो हमें टैक्स आमदनी है वो 91 के 9.8 से घटकर 4.8 अब लगभग रह गई है। और स्वदेशी जागरण मंच ने स्टडी किया है कि इससे लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का हमें टैक्स GDP का जो रेशो का हमें नुकसान है, 8 लाख करोड़ रुपए पर ईयर, लास्ट ईयर ये स्टडी किया। हमारे जो टैक्स का जो लॉस होता है, इसका और भी एंगल है, जब विदेशी कंपनी आती है तो हमारी लेबर इंटेंस इंडस्ट्री वो संकट में पड़ती है, क्योंकि उसको कैपिटल यहाँ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, जो वो वहां से बाहर से कंपनियां आती हैं तो उनको कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ के मुकाबले बहुत कम है, उसके कारण से हमारी इंडस्ट्री को चैलेंज मिलता है, उस पर उसमें लगी हुई करोड़ों लेबर हैं उनको भी फिर अनएम्प्लॉयमेंट का एक संकट होता है। अगर मैं उस एंगल को छोड़ता हूँ, अभी समय सीमा को ध्यान रखते हुए मैं टैक्स एंगल को अगर हम देखें तो जो सरकारों को जो हमारा टैक्स का लॉस होता है, सरकारों ने 91 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो इंडस्ट्री बंद हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है वो चिंताएं तो छोड़ दी, उन्होंने ये जो टैक्स रेवेन्यू का उनका इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से जो लॉस हुआ उसको कैसे कंपनसेट करें उस पर ज्यादा फोकस किया। हम अगर ध्यान से देखें तो 91 ऑनवर्ड सरकारों ने इस रेवेन्यू डेफिसिट को
जो विदेशों से आने वाले माल पर हमने कर लगाना कम किया, बहुत कम किया, उसको तीन तरीकों से कंपनसेट किया है। एक, नए नए टैक्स लगाना। 1991 के बाद 1995 में पहली बार सर्विस टैक्स पांच चीजों पे लगाया गया। उससे पहले सर्विस टैक्स की कोई कंसेप्ट नहीं थी। और उसके बाद आप देखें पूरा सीक्वेंस है, पूरी चतुराई के साथ जनता को टैक्स ट्रैप में डाला गया। आप इस डिबेट के बाद अगर घर का बिल उठा लेंगे तो उसमें एनर्जी चार्जेस एक आइटम होगी, उसके अलावा 10 आइटम डिफरेंट टैक्सेस की आपको उसमें मिलेंगे। सर्कल रेट की एक नई कंसेप्ट गढ़ी गई, पहले सर्कल रेट की कोई कंसेप्ट नहीं थी 91। उसके पीछे कारण बताया गया कि इसमें ब्लैक मनी में ट्रांजैक्शन होता है। मान लिया ब्लैक मनी को आपने रोकने के लिए सर्कल रेट की कंसेप्ट लाए, और ताकि कोई आदमी उतने से कम में वो वस्तु ना खरीद सके। लेकिन कोई आदमी इनकम टैक्स 20-30% देकर अगर वो अपनी सेविंग्स करता है और एक राशि को वो इकट्ठा करके टैक्स दे के कोई चीज खरीदता है सर्कल रेट पर, तो फिर उसके ऊपर 8-7% की स्टाम्प ड्यूटी और 1% का फिर उस पे सर्विस चार्जेस ये लाया गया। अनेक प्रकार के टैक्स अगर हम देखें तो 91 ऑनवर्ड्स सरकारों ने लगाए गए। दिल्ली में अभी म्यूटेशन चार्जेस को अगर हम देखें, एक झटके में 15 गुना बढ़ा दिए गए। लोकल बॉडीज ने भी अपना, सब लोकल बॉडी स्टेट सब ने अपने अपने टैक्सेशन, एक ये एंगल। दूसरा रास्ता सरकार ने अपनाया कि जो लोक कल्याण के उसके दायित्व हैं, हर देश में सरकार के कुछ दायित्व होते हैं और नागरिकों के कुछ अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं, ऐसे ही सरकारों के भी कुछ अधिकार होते हैं तो कुछ दायित्व भी होते हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये पांच चीजें हमारे यहाँ माना गया था कि ये या तो निशुल्क रहेंगी, एक नागरिक का अधिकार होगा, सरकार का दायित्व होगा, या सब्सिडाइज रहेंगी, या बहुत हुआ तो कॉस्ट बेस्ड रहेंगी, बट फुल प्रॉफिट बेस्ड ये चीजें बिजनेस नहीं रहेंगी, सरकारें इनको इंश्योर करेंगी। लोक कल्याण के ये जो पांच कार्य थे, सरकारों ने इससे हाथ खींचना शुरू किया और ये प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने हैंडओवर करना शुरू किया। वो अलग बात है कि इससे देश का जीडीपी बढ़ा, और इस सेक्टर्स की अगर हम ग्रोथ देखें तो 30-35% 30% 35% की इनकी ग्रोथ है। देश के जीडीपी में से अगर इन पांच सेक्टर्स की ग्रोथ कम निकाल दें, इलेक्ट्रिसिटी, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, तो हमारे देश का जीडीपी 1-2% से ज्यादा नहीं है। इनकी जो 30% की, 25% की, 35% की जो ग्रोथ होती है वो इतनी होती है कि पूरे देश के जीडीपी में जब हम क्लब करते हैं तो देश का जीडीपी 6%, 5%, 7% आ जाता है। तो जो लोक कल्याण के काम थे सरकारों के, उनसे सरकारों ने हाथ खींचना शुरू किया। भले ही कोई आदमी बीमार हुआ तो उसने जीवन भर परिश्रम करके कोई LIG MIG फ्लैट बना लिया या 50-25 गज का कोई मकान बना लिया, तो एक बीमारी में वो मकान बिक जाता है। बेटे को कहीं पढ़ी अच्छी शिक्षा में कहीं भेजना पड़ा तो अपना पूरा जीवन का GPF निकालना पड़ता है, या कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना पड़ता है, या एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। तीसरा जो सरकार ने रास्ता अपनाया, ये 91 के बाद सभी सरकारों ने किया है, समाज में कुछ चीजें होती हैं जिनको समाज हिकारत की नजर से देखता है, समाज की आवश्यक बुराइयां होती हैं, नेसेसरी डेविल्स। समाज होगा तो अच्छाई भी होंगी, बुराई भी होंगी, लेकिन वो कभी मेन स्ट्रीम नहीं आती। समाज उनको समाज की मुख्य धारा नहीं बनाता, वो एक कोने में पड़ी रहती है, समाज उनको हिकारत से देखता है। सरकारों ने समाज की जो आवश्यक बुराइयां थी जिनको कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाता था,
उनको समाज की में महिमा मंडन करके मुख्य धाराओं में लाने का प्रयास किया और नो डाउट एस्टेब्लिश किया। फॉर एग्जांपल एक बताता हूं मैं, शराब। पहले शराब समाज में लोग पीते थे, कम पीते थे, और पीने वालों को या बेचने वालों को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। और शराब की दुकान भी होती थी तो शहर के किसी कोने में या गांव के किसी कोने में, और कोई बहुत डेकोरेटेड नहीं होती थी। योजना पूर्वक अगर हम कितनी रिपोर्ट्स उठा के देखें, इवन दिल्ली गवर्नमेंट की उठा के देखें, योजना पूर्वक नोटिंग्स हुई फाइलों में कि किस प्रकार से हम इसको बढ़ाएं, और तरीके सुझाए गए कि सर ड्राई डेज कम कीजिए, दुकानों के खोलने के घंटे बढ़ाइए, और इनको शॉपिंग मॉल्स में बड़े अच्छे डेकोरेटेड उसके तरीके से खोलिए, कोई कॉम्प्लेक्स के साथ संकोच भाव से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ शराब की दुकान को ना खोलिए, डोमिनेट करते हुए प्राइम लोकेशंस पे इनको खोलिएगा, इनमें फ्रिज भी रखिएगा, डिफरेंट फ्लेवर्स भी रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट्स भी कीजिएगा, तो शराब की बिक्री को अधिकाधिक बढ़ाना। और नतीजा हमने देखा, कोरोना में 15 दिन शराब की दुकानें बंद नहीं कर सकती सरकार। हम अपने देश के जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं वो उद्योग व्यापार से कितनी कर रहे हैं, हमने मेजर अपना रेवेन्यू डिपेंडेंस शराब की बिक्री और ये जो जो मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज और ये सर्विस सेक्टर में जो चीजें हम ले गए हैं, इन पे लगाए गए टैक्स, इस पे हमने शिफ्ट कर लिया है। हमें हैरानी होगी जानकर कि पिछले वर्ष सरकारों ने शराब बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपया कमाया है। और जब सरकार ने शराब पे कोई 30-35% टैक्स होता है, सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए कमाती है, तो बेचने वाले ने और बनाने वाले ने कितना कमाया होगा, और ये सारा पैसा हमारे 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 गरीब घरों के महिलाओं का, परिवारों का राशन का पैसा था, उनकी पढ़ाई का पैसा था, बच्चों की, उनके दूध का पैसा। कहने का मतलब जो वैश्वीकरण के कारण हमारा जो, मैंने एक एंगल लिया है सिर्फ, रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो तरीके अपनाए गए, पूरा हमें पैराडाइम शिफ्ट किया गया फ्रॉम सेविंग्स टू इंस्टॉलमेंट। हम गुल्लक वाले देश थे और देश की इकोनॉमी में डोमेस्टिक सेविंग्स का एक बड़ा प्रोपोर्शन रहता था, बैंकों के डिपॉजिट्स में बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो डोमेस्टिक सेविंग्स का रहता। पूरी सेविंग बेस्ड इकोनॉमी को, पूरी इंस्टॉलमेंट बेस्ड इकोनॉमी, लोन बेस्ड इकोनॉमी में गुल्लक तोड़ के हमें किस्त पे शिफ्ट किया गया। अगर हम बैंकों का सभी देखें, नॉन प्रोडक्टिव लोन बैंक कभी नहीं देता था, प्रोडक्टिव लोन देते थे। आज तो अगर आपने घूमने भी जाना है तो न सिर्फ लोन देंगे बल्कि उसमें आपको आकर्षित करने के लिए, ट्रैप करने के लिए विज्ञापन भी देंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारी इकोनॉमी पूरी, मोबाइल खरीदना है तो, फ्रिज खरीदना है तो, पूरी लोन बेस्ड इकोनॉमी पर ये ग्लोबलाइजेशन, ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पूरा शिफ्टिंग किया गया। हमारी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री को समाप्त करने के लिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको अगर हम गहराई से देखें तो इसका अधिकांश काम इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कैसे खत्म किया जाए, छोटे छोटे गोलगप्पे बेचने वालों को, छोटी रेडी लगाने वालों को, छोटे रेस्टोरेंट्स को, और कॉरपोरेट फूड प्रोसेसिंग के, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो मैकडोनाल्ड्स हो, ऐसे करके अनेक प्रकार के ग्लोबलाइजेशन में ये चीजें इन्होंने लाना ये शुरू किया। हमें समझना पड़ेगा कि एक साइज, वन साइज डजंट फिट ऑल, जो विकास का मॉडल हमें दिया गया वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे देश के लिए फिट बैठता हो। हमारे देश का मॉडल हमें अपने तरीकों से
तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, कॉरपोरेट कंपनीज, स्टॉक मार्केट की लिस्टेड जितनी कंपनीज हैं 5-6 हजार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कहने का मतलब पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर हम देखें तो 3 से 4 ज्यादा करोड़ लोगों को रोजगार नहीं देता। हमारा 90% प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर देता है। अगर हम रिटेल को देखें तो 1 करोड़ 10 लाख दुकानें हैं, 5 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा, जो है जहां है जैसा है, 10वीं पास है तो, अनपढ़ है तो, MBA फाइनेंस है तो, गांव में है, कस्बे में, शहर में है, 10,000 की पूंजी है तो सोम मंगल बाजार में, अधिक पूंजी है तो किसी जिले में या बड़े शहर में शोरूम, बूढ़ा है, विधवा है, दिव्यांग है, नीचे दुकान ऊपर मकान। देश की 1 करोड़ 10 लाख दुकानें, 5 करोड़ लोगों को जो है जहां है जैसा है के आधार पर रोजगार देती है। अब हम अगर अमेरिका का रिटेल मॉडल ले आएंगे और कुछ जो लॉबिस्ट है, मैं पॉलिसी मेकर नहीं कहूंगा, नीति आयोग में जितने लोग बैठे हैं अभी तक, चाहे वो पहले प्लानिंग कमीशन था, चाहे आपका नीति आयोग का उसका नाम बदला है, आज तक नीति आयोग में जितने भी लोग आए हैं या बैठे हैं, देयर वो भारत की परिस्थिति और जरूरतों के हिसाब से नीतियां नहीं बनाते, वो विदेशियों के लॉबिस्ट हैं, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। जैसे यही नीति आयोग के लोग पैरवी करते हैं कि हमें वेस्टर्न मॉडल ऑफ रिटेल हमें यहाँ लागू करना चाहिए, और हमारे यहाँ अगर वॉलमार्ट आएगी तो 1 लाख नौकरियां या 25,000 नौकरियां या 50,000 नौकरियां वो जनरेट करेगी। हम अपने रिटेल का जो प्रेजेंट मॉडल है इसको बेहतर करें, ये ठीक है, यहां तक इसमें मैं एग्री करता है स्वदेशी जागरण मंच कि इसकी जो कुछ कमियां हैं और युगानुकूल इसमें जो सुधार होने चाहिए वो होने चाहिए, लेकिन इसकी कुछ कमियों को आड़ बनाकर हम अमेरिका का या वेस्ट का एक रिटेल मॉडल ले आए। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट अगर यहाँ आती है तो जब हमने वॉलमार्ट के एजिटेशन को लीड किया तो स्टडी किया वॉलमार्ट को, 2010 में वॉलमार्ट ने उतना उसकी बैलेंस शीट में उसकी सेल्स उतनी ही थी जितने भारत की पूरे रिटेल सेक्टर की थी, $400 बिलियन का भारत का रिटेल सेक्टर था, और वॉलमार्ट की रिटेल सेल्स जो है वो नहीं सॉरी भारत का रिटेल सेक्टर $410 बिलियन का था, और वॉलमार्ट की सेल्स 2010 में $400 बिलियन की थी। आप कल्पना कर सकते हैं कितने बड़े दैत्य हैं ये, ये दुकानदार नहीं है, ये व्यापारी नहीं है, ये सरकारों को भी पंगू कर दें, इतने बड़े ये कॉरपोरेशंस हैं। तो वॉलमार्ट ने 2010 में $400 बिलियन का माल बेचा, भारत के पूरे रिटेल सेक्टर ने $410 बिलियन का माल बेचा, लेकिन दोनों में अंतर क्या था, भारत में वो रिटेल सेक्टर 6.5 लाख गांवों में फैला हुआ था, 1 करोड़ 10 लाख दुकानें थी और 5 करोड़ लोगों को वो जो है जहां है जैसा है के आधार पर रोजगार देता था। वॉलमार्ट को अगर हम लाते हैं तो वॉलमार्ट की 2010 में 9,884 दुकानें थी, स्टोर्स कहते हैं उसको, 28 देशों में, और उसने उतना ही माल बेचा कितने कर्मचारियों को लगाकर, 21 लाख कर्मचारियों को लगाकर। तो जो मॉडल उतनी सेल्स में, एक मॉडल 5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और एक मॉडल 21 लाख लोगों को रोजगार देता है, और रोजगार भी कैसा, डिलीवरी बॉय का, जिसमें कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, 18 साल का एक नौजवान पकड़ते हैं और दिन में 200 पैकेट 250 पैकेट पीठ पे 50 किलो वजन लाद कर 4-4 मंजिल वो सीढ़ी चढ़ते हैं और वो डिलीवरी देते हैं, और 28-30 साल की आयु तक
आते आते बिना कोई सीखे हुए, नो स्किल, और वो फिर वो डिलीवरी बॉय का वो उतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, वो इतने दिन पूरा दिन इतनी डिलीवरी पैकेट नहीं दे पाते। भारत के मॉडल में अगर कोई लड़का 5 साल दुकान में काम कर लेता है तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अपनी दुकान कर लूंगा। तो कहने का मतलब हमारा अपना एक एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, हम वेस्ट का मॉडल हमारे सूट नहीं करता। हमारे यहाँ 1 करोड़ ट्रक हैं, 3 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, उस पर इनकी नजर है पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर। हमारे यहाँ लगभग 4 लाख किलोमीटर के जो नेशनल स्टेट हाईवेज हैं उसके किनारे लाखों ढाबे हैं, उस पर इनकी नजर है। हमारे यहाँ 3 करोड़ लोग राजमिस्त्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लेबर ब्यूरो का डाटा है। अब अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम पर कंस्ट्रक्शन में रोबोटिक मेसन ले आएंगे जो एक दिन में 1000 ईंट लगाता है, तो हमारे 3 करोड़ राजमिस्त्रियों का क्या होगा? तो ये जो हमने डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो हमें अपने तरीके से वो हमें रखना होगा। अब अगर हम आज को देखें, मैं अपने उसमें लास्ट पार्ट पे आता हूँ, रास्ता क्या है और खोया पाया क्या है, जो हो गया ठीक है। अगर हम आज को देखें तो उसको दो हिस्से हैं। 91 में हमें जो कहा था, जो बातें कही थी कि आप ये सब चीजें करिए, आपके यहाँ प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो मैं 5-7 डाटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1991 में हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट को अगर देखें, डॉलर तो 18 रुपये था, आज तो 76 रुपये है। 91 में ट्रेड डेफिसिट $2.6 बिलियन था, आज तो $200+ बिलियन है। 1991 में अगर दुनिया में 100 महिलाएं आत्महत्या करती थी तो भारत की आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 25 होती थी। 2016 में दुनिया में अगर 100 महिलाओं ने आत्महत्या करी तो उसमें भारत की आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 1.5 गुना बढ़कर 37 हो गई। पुरुषों की संख्या 18 थी, वो 2016 में 25 हो गई। अगर हम 1991 में तलाक देखें तो 1 होता था। ये जो फॉरेन मॉडल आया, ये अपने साथ कल्चर का पूरा पैकेज लाया, तो अब तो तलाक 18 गुना बढ़ गई। ग्राउंड वाटर 283 जिलों में डार्क जोन में चला गया। एनवायरनमेंट हम पोल्यूशन देखें तो बताया मैंने कि उस 1991 में अगर 800-900 किलो होता था तो आज तो हम 1920 या 2000 किलो के आसपास पहुंच गए। बीमारियां देखें तो लैंसेट की जो रिपोर्ट्स हैं लेटेस्ट कि 25% एडल्ट पॉपुलेशन ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई, 10 करोड़ से अधिक लोग शुगर के नॉन मरीज है। ग्रामीण भारत में तो लोगों को पता ही नहीं कि उसको शुगर है भी या नहीं, जो ज्ञात मरीज हैं। डिप्रेशन अवसाद ये भारतीय परिवारों में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। लैंड का डेजर्टिफिकेशन देखें तो अभी सितंबर में 2019 में, अभी 7-8 महीने पहले नोएडा में COP14 कन्वेंशन हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, प्राइम मिनिस्टर गए थे, वहां बताया गया कि हमारी 900 लाख हेक्टेयर फर्टाइल लैंड डेजर्टिफिकेशन की तरफ चली गई। 91 में लिविन नहीं होता था, LGBT भी नहीं होता था, सेक्शन 397 वो नहीं होता था। किडनी के केस देखें, लीवर के केस देखें, तो मेरा दावा है जितने लोग भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करके सोचेंगे तो शुगर, बीपी, लीवर, किडनी, इनसे पीड़ित किसी ना किसी व्यक्ति को जरूर जानते हो। नटशेल में अगर हम कहें कि जो हमें कहा गया था इकोनॉमी के फ्रंट पर, एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर, एनवायरनमेंट के फ्रंट पर, हैप्पीनेस के फ्रंट पर, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कल्चरल वैल्यूज के फ्रंट पर,
हमें कहीं लाभ हुआ हो जो हमें बताया गया था, ये तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आगे का रास्ता क्या है? अगर हम 30 साल बाद देखें कि हमने जो ये रास्ता पकड़ा था डेवलपमेंट मॉडल का, इसने हमें दे एज ए नेशन, ठीक है, एक लॉबी को फायदा हुआ, दिल्ली के 163 लोग, ये जो बार्कलेज की रिपोर्ट है, दिल्ली के 163 लोगों के पास 7.25 लाख करोड़ रुपए की संपदा इकट्ठी हो गई, भारत के 54 लोगों के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है जितना भारत के 91 करोड़ लोगों के पास है, ये कुछ लोगों के पास कंसंट्रेशन हुआ, बट ओवरऑल एज ए नेशन जो है वो हम देखते हैं तो किसी भी फ्रंट पर मेजर अगर हम देखें बैलेंस शीट को, तो एक जो भारी पक्ष है कि जो कहा गया था वो हमें नहीं हुआ। तो आगे का रास्ता क्या हो? हमारा ये मानना है कि हमारे विकास का रास्ता गांवों से निकलेगा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जो 2015 में आई थी, उसने बताया था कि हमने जो इस विकास मॉडल के कारण एक जो पॉलिसी लिखी कि गांव से लोगों को धकेलो धकेलो धकेलो, नहीं जाते तो गांव में सड़क मत दो, बिजली मत दो, पानी मत दो, हॉस्पिटल मत दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मत दो, लोग झक मार के शहरों की तरफ जाएंगे। और ये जो पॉलिसी मेकर्स क्लेम करते हैं कि इतना अर्बनाइजेशन हो गया, उस पर भी एक चैलेंज है, एक क्वेश्चन है। शहरों के लोग स्लम्स में रह रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रहे हैं, जे क्लस्टर्स में रह रहे हैं, नाइट शेल्टर्स में रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं, जब बेसिक कम्युनिटीज भी नहीं है, वो एक अलग एंगल है। लेकिन फिर भी जो कहा गया कि लोगों को धकेलो शहर की तरफ, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जो जुलाई 2015 में पब्लिश हुई, वो बताती है कि भारत में 24 करोड़ 39 लाख परिवार हैं, इतना सब करने के बाद भी 17 करोड़ 91 लाख परिवार आज भी गांवों में रहते हैं, ऑलमोस्ट 74%। और जो कोरोना हुआ है उसके बाद हमारा मानना है 80% भारत की आबादी वो गांवों में रहेगी। तो आज आगे का रास्ता हमारा क्या हो? तो गांवों के साथ एक अच्छी चीज ये हुई है कि उनको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक रिच स्किल्ड उनको एक ह्यूमन रिसोर्स मिला है। शहरों से हमारे जो भी मजदूर गए हैं या जो भी हमारे नागरिक गए हैं, वो अनेक प्रकार के व्यापार कौशल, औद्योगिक कौशल और व्यापार की अनेक चतुराइयां सीखकर गांव गए हैं। और इस सारी प्रक्रिया के दौरान पिछले 3-4-5 महीनों में उनको एक खट्टे मीठे अनुभव भी आए हैं, समाज के अभिजात्य वर्ग के प्रति भी आए हैं, सरकारों के प्रति भी काफी अनुभव आए हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, बुरे भी हैं, और उनके बहुत सारे विश्वास टूटे भी हैं। उसका कारण एक अर्बन रूरल डिवाइड नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है, लेकिन उनके कौशल को अब गांव में ही, गांव को खड़ा करने में उसको प्रयोग किया जाए, उसका रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। स्वदेशी जागरण मंच के नाते हमारा ये मानना है कि हमें अपने स्ट्रेंथ एरिया पे फोकस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, कैपिटल हमारी जरूरत है लेकिन हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट की स्ट्रेंथ है, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हम अगर देखें तो हमारे पास पूरे ग्लोब का 2% लैंड है। मैं एक सेकंड विभू जी से अनुमति चाहूंगा, मुझे बचा हुआ समय बता दें तो मैं उतने में इसको समेट लूं। कोई नहीं सर, आप हाँ जी सर, आप कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम का, 10-15 मिनट का अभी है स्पेस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई राइट राइट। तो हमारा स्ट्रेंथ एरिया क्या है? अगर हम देखें पूरे ग्लोब को, तो पूरी दुनिया की 2% जमीन हमारे पास है, और उस 2% जमीन में से भी
1% जमीन कल्टीवेबल है और उस 1% जमीन में भी तीन हिस्से हैं, अनइरिगेटेड, दूसरा हिस्सा है रेन फेड और तीसरा हिस्सा है एश्योर्ड इरिगेशन। अब देखिएगा कितनी खूबसूरत चीज है ये भारत की ताकत कि दुनिया की 2% जमीन, अगर पूरी दुनिया 100 रुपया है तो हमारे पास 2 रुपया जमीन है, उस 2 रुपया जमीन में 1 रुपया कृषि योग्य है, उस 1 रुपया में से 33 पैसा पे सिंचाई का साधन नहीं है, 33 पैसा वर्षा आधारित है और 33 पैसा इरिगेशन है। दूसरी तरफ अगर हम लाइफ स्टॉक सेंसस 2011 को उठा लें तो दुनिया के जितने मवेशी हैं उसमें से 20% मवेशी भारत में है, 52 करोड़, उनमें से 19 करोड़ 10 लाख गाय हैं, गौवंश है और 10 करोड़ 80 लाख भैंस हैं और बाकी दूसरे मवेशी हैं। कहने का मतलब दुनिया के अगर 100 रुपए मवेशी हैं तो 20 रुपए मवेशी लाइफ स्टॉक हमारे पास है और दुनिया में 100 रुपए मानव संसाधन है तो दुनिया के 18 रुपए मानव संसाधन हमारे पास है और एश्योर्ड इरिगेशन वाली लैंड हमारे पास कितनी है, 33 पैसा, और 33 पैसा रेन फेड। इसमें से हमें 33 पैसा जमीन में से हमें दुनिया के 38 रुपया मवेशी और मानव संसाधन के लिए भोजन और चारा जुटाना है। और जो भारत के बारे में कहा जाता है यहाँ बहुत अच्छे कर्म करने वाले को ही जन्म मिलता है, हिमालय जिसका किरीट है, सागर जिसके पैर पखाता है, पूरे ऐसा भूखंड दुनिया में कहीं नहीं है। चौंकाने वाली बातें आपके ध्यान में पहले भी आई होंगी, मैं केवल दोबारा याद कराना चाहूंगा, अमेरिका हमसे अनेक गुना बड़ा है, चीन का 96 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, भारत का 32 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, लेकिन भारत में कृषि योग्य भूमि, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, चीन से भी ज्यादा है, अमेरिका से भी ज्यादा है, चीन से भी ज्यादा है, चीन का लगभग 15% अमेरिका और चीन दोनों का राउंड अबाउट 14-15% वहां फर्टाइल लैंड है। तो भारत को जो एक विशेष भगवान ने कृपा दी है, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, 500 से ऊपर सब एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, सब एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, एक ही समय में जहां +50% भी टेम्परेचर रहता है, -50 भी रहता है, ह्यूमिडिटी लेवल राजस्थान में ऐसा है कि सिर पे इतनी बड़ी पगड़ी रखनी पड़ती है, तो उड़ीसा के तटों पे 80-90% तक ह्यूमिडिटी रहती है कि तन का पसीना ही नहीं सूखता। तो इसे सब इस एक जलवायु विविधताओं के कारण विश्व की सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी भारत में है। और बायोडाइवर्सिटी में भी अगर आगे देखें हम तो तिल भी उगता है, ताड़ भी उगता है, खट्टी मिली उगती है, चरचरी अदरक उगती है, तीखी मिर्च भी उगती है, बकबका चना भी उगता है, रस से भरा हुआ तरबूज भी उगता है, और दूसरी तरफ देखें तो बायोडाइवर्सिटी की हजारों नस्लें भी हैं। बैंगन है तो 3000 प्रकार का है, उत्तराखंड में देखे तो राजमा 100 से अधिक प्रकार का है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुआ मिट्टी है। गायों को देखें, देसी गायों की बात कर रहा हूं मैं, तो 28-29-30 प्रकार की नस्लें हैं, नागौरी है, साहिवाल है, गिर है। तो इन सब के कारण स्वदेशी जागरण मंच का ये मानना है और अध्ययन है
कि हमारी कृषि का, हमारे मवेशियों का, हमारे मानव संसाधन का ठीक से नियोजन हो जाए तो हम विश्व की 400 करोड़ से अधिक जनसंख्या के लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दे सकते हैं। ये जो विश्व व्यवस्थाएं पिछले दिनों स्थापित की गई, इन्होंने बड़ी चतुराई से हमारे इस स्ट्रेंथ एरिया को क्रश किया है, हमें पता ही नहीं लगने दिया। अगर हम पहली रासायनिक खाद को देखें, अगर हम पहले कृषि यंत्र को देखें, ट्रैक्टर को, तो ये पिछले 150 वर्षों में आए हैं। हमारे मवेशी को योजना पूर्वक एकीकृत कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंटीग्रेटेड एग्री रूरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से योजना पूर्वक हटाया गया, पूरे लाइफ स्टॉक को एग्रीकल्चर से हटा दिया गया और उसे आइदर सोर्स ऑफ मिल्क और सोर्स ऑफ मीट वो बनाया गया। 2014 के मुकाबले अगर हम देखें, तकलीफदायक बात है लेकिन फैक्ट्स समाज के वर्ग के ओपिनियन मेकिंग क्लास के सामने तो कम से कम आने ही चाहिए। 2014 के मुकाबले 2015 में हमने 20% ज्यादा मीट एक्सपोर्ट किया और 24 लाख टन हमने मीट एक्सपोर्ट किया। 24 लाख टन को अगर समझना हो तो एक गाय या भैंस से औसत, गाय तो नहीं लेकिन एक भैंस के आकार के जीव से लगभग 75 किलोमीटर निकलता है, तो 3.25 करोड़ इस साइज के अगर हम मवेशियों को स्लॉटर करते हैं तो 24 लाख टन के लगभग मीट बनता है। हमने 2015 में 2014 के मुकाबले 20% ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करके वर्ल्ड के लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर हम बन गए 23% शेयर के साथ, जिससे जहां एक तो हमारा ऑर्गेनिक जो 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 खाद है उसका अभाव धीरे धीरे शुरू हुआ। आपको हैरानी होगी, 1951 में 2 किलो यूरिया 1 हेक्टेयर में डलता था। हमने योजना पूर्वक हमारे यहां कुछ भगवानों को गढ़ा गया और उन भगवानों का अगर हम विश्लेषण करें तो खेती का मशीनीकरण और खेती का जहरीलीकरण, उन्होंने खेती की जटिलताओं में जाए बिना उसकी जटिलताओं को समझकर और उसके फिर धागे सुलझाते हुए समाधान निकालने की बजाय सीधा सीधा खेती का मशीनीकरण और जहरीलीकरण किया। 1966-67 में अगर हम आ जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर, तो 6 किलो यूरिया पर हेक्टेयर डलता था दोस्तों, आज ऑन एन एवरेज 135 किलो एक एकड़ में, हेक्टेयर नहीं एक एकड़ में डलता है। कुछ जिलों में 400 किलो तक डलता है। पिछले वर्ष 2019-20 में फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का आप उठा के देख लेना, भारत के खेतों में 5,300 करोड़ किलोग्राम रासायनिक खाद, जहर, कीटनाशक जहर के रूप में छिड़का गया। भारत की जनसंख्या पर मान ले तो हर व्यक्ति ने हर महीने 4 किलो रासायनिक जहर खाया, जिसका फल क्या हुआ जो मैंने पहले बताया, 20% पॉपुलेशन बीपी की मरीज हो गई। एडल्ट पॉपुलेशन 20% का मतलब लगभग 25 करोड़ लोग आज नॉन पेशेंट्स हैं बीपी के, शुगर, किडनी, कैंसर। लोकसभा में बताया गया 14 जुलाई 2015 को, जहां हरित क्रांति हुई, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहां सिर्फ 4 सालों में 2011-12-13-14 443,397 लोग कैंसर से मर गए हैं। तो ये जो रासायनिक खाद पर हम शिफ्ट किए,
किए, 2019-20 में सरकार का बजट उठा ले हम, 80,000 करोड़ रुपया यूरिया कंपनियों को सब्सिडी है डायरेक्ट, 30,000 से 40,000 करोड़ का हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो हमारा यह मानना है कि अगर हम ठीक से नियोजन कर लें, मानव संसाधन, मवेशी, कृषि, तो जहां एक ओर हमें ये जो 80,000 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट, ये तो लाभ होगा ही, विदेशी मुद्रा तो बचेगी ही, हमारा जल स्तर जो ऊपर आएगा ही, हम एग्री बेस्ड इंडस्ट्री गांवों में लगाकर हम भारत को दोबारा भी खड़ा कर सकेंगे। पूरी विश्व मानवता खोज में है अच्छे भोजन की, लोग पीड़ित हैं ये इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग से, ये पेस्टिसाइज्ड फार्मिंग से लोग पीड़ित हैं, ये फार्मिंग भूमि का जल भी नष्ट कर रही है, ये लैंड की जो COP14 हुआ जिसमें बताया गया कि 900 लाख हेक्टेयर डेजर्टिफिकेशन की तरफ चली गई है और सरकार ने टारगेट लिया है कि 2030 तक हम 260 लाख हेक्टेयर को दोबारा रिवाइव करेंगे। तो उस बजट को हम गांवों में गए, जो हमारे स्किल्ड लोग हैं गांवों में, जो हमारे कृषि कर रहे जो किसान हैं हमारे, इनका ठीक से नियोजन करें तो हम गांव को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। और गांव अगर खड़ा हो गया तो भारत को वो खड़ा कर लेगा। विकास का ये जो वर्तमान मॉडल है ये खुद खड़ा नहीं रह सकता, इसमें इनहेरेंट पावर नहीं है कि ये खुद खड़ा रह सके, इसमें इम्यूनिटी पावर नहीं है कि कोरोना जैसी कोई अगर समस्या आ जाए तो ये अपनी इम्यूनिटी पावर से ऐसी समस्याओं से इकोनॉमी को बचा ले, देशों को बचा ले। ये पैरासाइट है ये मॉडल। मैं उदाहरण देता हूं, हम दिल्ली में 430 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर के रेट से मेट्रो बना रहे हैं। किसके लिए बना रही है? इस मेट्रो ने पूरी, मेट्रो का आपको मालूम होना चाहिए 100 किलोमीटर नीचे टनल्स हैं मेट्रो की दिल्ली में, और पूरा दिल्ली एनसीआर का ग्राउंड वाटर स्थायी रूप से ये नष्ट हो गया है। जब 80% भारत गांवों में चला गया है और शहरों में भी जो रहा है उसमें भी अगर आप एक आकलन करें तो धारावी में 2 किलोमीटर में 8 लाख लोग रह रहे हैं। तो ये गेटेड सोसाइटीज हैं, गेटेड अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, हम विकास का मॉडल कितने लोगों के लिए खड़ा कर रहे हैं। और ये मॉडल अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है। एक ऑटो खरीदने वाला एक ऑटो खरीदता है तो लोन की इंस्टॉलमेंट भी रीपे करता है और अपने परिवार को भी चलाता है और सेविंग्स भी करता है। लेकिन अगर हम मेट्रो को देखें तो ये अपनी आमदनी से जिंदा नहीं रह सकती। दीज प्रोजेक्ट्स आर सफिशियंट इनफ टू मेक ए लोकल बॉडी बैंकरप्ट और ए स्टेट बैंकरप्ट। मैं आपको, आप देखिएगा कि मेट्रो, दिल्ली नगर निगम, तीनों पूर्वी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम, उत्तरी नगर निगम, तीनों नगर निगम हजारों करोड़ रुपए के घाटे में हैं। आप अखबारों में पढ़ते होंगे नगर निगम के टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। लोकल बॉडीज के जो रेवेन्यू के रिसोर्स थे वो मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट कैप्चर कर लेते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट का सारा रेवेन्यू एमसीडीज का मेट्रो ने कैप्चर किया है। म्युनिसिपैलिटीज का जो पार्किंग का रेवेन्यू होता है, मेट्रो ने रेल, मेट्रो के नाम पे जमीन ली, उस पर अपनी पार्किंग्स बना ली और दिल्ली कॉरपोरेशन का पार्किंग रेवेन्यू उसने कैप्चर किया। मेट्रो शॉपिंग मॉल्स बनाती है, मेट्रो अपार्टमेंट्स बना रही है। पिछले 3 महीने से मेट्रो बंद है, सैकड़ों करोड़ रुपया उसको मेंटेन करने पे खर्च हो रहा है। तो हम जो ये विकास का मॉडल जो ला रहे हैं ये अपनी ताकत से चल नहीं सकता, ये भारत का शोषण करता है तो जिंदा रहता है।
तो हमें ये दोबारा गांवों को खड़ा करना पड़ेगा। और अंत में मैं अगले 3-4 मिनट में, हमारा ये मानना है आधुनिक चुनौती को स्वीकार करते हुए हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, हर जिले में 5-5 6-6 अच्छे पढ़े लिखे नौजवान, मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स, आईआईटी से टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के सभी तरीके जानने वाले एक्सपर्ट्स, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग के सभी जानने वाले एक्सपर्ट्स और ई कॉमर्स के एक्सपर्ट्स, ऐसे अगर 5-5 6-6 लोगों का, नौजवानों का एक समूह अपने कैरियर का अगर 1 साल 2 साल देता है कि मैं गांव जाऊंगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरी धरती माँ इतनी है कि सोना उगल देगी, तीसरे साल में फसल ऑर्गेनिक हो जाती है, मैं किसान मेहनत में पीछे नहीं है, खेत के अंदर किसान नहीं हारता, किसान हारता है खेत से बाहर की पॉलिसीज में, तो मैं उसको गाइड करूंगा, ट्रेंड करूंगा, लाइफ स्टॉक को मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर में रीएस्टेब्लिश करूंगा, जिससे किसान की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, उसकी लैंड की फर्टिलिटी दोबारा रिवाइव करनी शुरू हो जाएगी, और उसको ऑर्गेनिक तीसरे साल हो जाएगी तो ऑनलाइन मैं उसको सिखाऊंगा कि दुनिया तुझे देख पाएगी तो ऑनलाइन बेचता है उस प्रोड्यूस की, उसी जिले में, उस जिले में जितने नेचुरल रिसोर्स है और एग्रीकल्चर है, इससे रिलेटेड सभी प्रोसेसिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज वहां लगना, उनकी पैकेजिंग होना, सरकार की जितनी फाइनेंस की पॉलिसीज हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स जो एक अट्रैक्टिव पॉलिसी लाकर हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहां एग्री प्रोसेसिंग की वहां इंडस्ट्रीज लगे, डिस्ट्रिक्ट के नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड इंडस्ट्री लगे, और वर्ल्ड वाइड फॉर हम इसको ई कॉमर्स के द्वारा दुनिया को, भारत की धरती माता से उपजा हुआ ऑर्गेनिक फूड हम दुनिया की 450-450 करोड़ लोगों को, जो चाहते हैं, जो मोटे हो गए हैं, जो बीमार हो गए हैं जहरीला खाना के, हम उनको ऐसा एक मानवता की सेवा करेंगे और अपने स्ट्रेंथ एरिया को पहचानते हुए भारत को पुनः खड़ा करेंगे, कोरोना के संकट को हम एक सुनहरी अवसर में बदलेंगे और पूरी दुनिया को एक बार वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वे भवंतु सुखिना का, जो दुनिया पूरी एक रास्ते की खोज में है और हमेशा भारत ने ही जिम्मेदारी ली है कि भारत की मेघा, भारत की प्रतिभा, भारत के विद्वान एक बार फिर दुनिया को संकट से निकाल कर रास्ता दिखाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक शर्मा जी। अगर अभी किसी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो वो माइक बटन पे क्लिक करके खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। किसी का